फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और मेरा एक यूट्यूब चैनल है नोमैड सुशील करके। तो ये आज मेरा पहला वीडियो है। मैं ज़्यादातर अपनी बाइक पे जाता हूँ घूमने, तो मेरे को अपनी बाइक पे घूमने का बहुत शौक है। तो आज हम जा रहे हैं, ज़्यादातर हम संडे राइड्स करते हैं, तो आज हम जा रहे हैं पंचहरी, जो कि जम्मू से 87 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आपको ले चलते हैं पंचहरी की सैर पर। तो अभी हम पहुंच गए हैं हमारे फेमस तवी पुल पे। देखिए सामने भारत का झंडा लहराता हुआ। तो बस यहाँ से अभी हमने लेना है आयुष को और सुधांशु को उसके घर से, बख्शीनगर से। तो फिर उसके बाद हम निकल पड़ेंगे अपने सफ़र पे। बस हम अभी आयुष के घर पहुंचने ही वाले हैं और सुधांशु भी आयुष के घर ही आया हुआ है। बस उन दोनों को ले कर तो निकल पड़ेंगे अभी पंचहरी के सफ़र पर। ये मेरा पहला वीडियो इंस्टा 360 से और इनके लिए भी ये नया है, तो पक्का ये मुझे देख के पूछेंगे कि क्या है ये। और देखिए पहुंच गए, ये दोनों बाहर ही खड़े हुए हैं और सुधांशु और आयुष पूछ रहे हैं कुछ मेरे से। चलो निकलते हैं अभी आगे। तो आयुष और सुधांशु को लेके चल पड़े अब हम और पहुंचने वाले हैं नगरोटा। तो नगरोटा से हम सीधे जाएंगे उधमपुर के रास्ते में, और उधमपुर से पहले एक टर्न लेना है। अरे 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 भाई साहब, भाई साहब, तो अभी ये साइकिल वाला बेवकूफ बीच में आ गया था। चलो आगे सफ़र से तय करते हैं। तो अभी हम हैं नगरोटा क्रॉस करके आगे निकल गए हैं। दोनों हीरो भी मेरे साथ चल रहे हैं। होंडा CB350 RS, मेरे पास होंडा हाइनेस है वैसे, और ये होंडा CB350 RS है। तो चलिए तो अभी मेरे लेफ्ट पे आप देख सकते हो बिल्डिंग है। हाँ, ये नया खुल रहा है जम्बू ज़ू, जो कि 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ा ज़ू होने वाला है ये। तो ये आ गया हमारा जम्मू का फेमस सेल्फी पॉइंट। यहाँ पे काफ़ी लोग सेल्फी खिंचाने आते हैं। सुबह सुबह ही रश हो गया। देखिए थोड़ी भगाई है मैंने बाइक अपनी, लेकिन 120 टच की है, 120 टच की है। यहाँ पर खाली रोड है, बहुत सुंदर। अब देखो इतने सारे नज़ारे हैं। हम पहुँच गए हैं पंचहरी के रास्ते पे, जहाँ से हमने कट लेना था वहाँ से ले लिया है। और यहाँ से करीबन कोई 40 किलोमीटर आगे हमें जाना है। तो सबसे पहले आएगा क्रिमची रोड से हम मुड़े हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं, इसके बाद अभी पहला स्टेप आएगा कैथकली। कैथकली से एक रास्ता जाता है डोंगरी को, और दूसरा रास्ता जाता है हमारी डेस्टिनेशन पे लेते हैं पंचहरी। तो बस वहाँ से पंचहरी 5-6 किलोमीटर दूर है। हम आसानी से कोई 10-10 या 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। देर आप इस खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए इस म्यूज़िक के साथ। बेहतरीन रोड है भाई साहब, नज़ारे इतने सुंदर हैं कि आप आगे देखते कम और साइड पे ज़्यादा देख के चलते हैं। पीछे थोड़ी रोड आगे भी ख़राब तो काफ़ी है। बस पहुँचने वाले 2-3 किलोमीटर में आ जाएगा मीर गाँव से सामने हमारे संकरी देवता पंचहरी दिखाई देते हैं। तो ये पहुंच गए हम मीर गाँव। यहाँ से पूछ लेते हैं पूरा कि कहाँ से रास्ता है। उन्होंने
हमें बता दिया कि आगे जाके लेफ्ट साइड एक सीढ़ियों वाला रास्ता है जो कि पैदल पहुंचा देगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बाइक पे जब रास्ता है तो हम बाइक पे जाएंगे। तो ये सुंदर नज़ारे, वाह वाह। तो पाइन ट्रीज से अब हम पहुंच गए हैं देवदार ट्रीज के बीच में, बिल्कुल पंचैरी में। इवन हमने पंचैरी को थोड़े से आगे भी चले गए थे पंचैरी से, थोड़ा रास्ता देखने के लिए, जो ये रास्ता वैसे लंडर को जाता है, एक गांव है काफ़ी आगे। तो चलो थोड़ी आगे चलते हैं, देखते हैं, फिर वापस आएंगे संकरी माता, संकरी देवी, सॉरी संकरी बाबा टेम्पल पे। तो हम पहुंच गए हैं संकरी बाबा टेम्पल। ये काफ़ी ऊंचाई पे है टेम्पल और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। फिर हमने क्या किया, काफ़ी रील्स बनाए, काफ़ी फ़ोटोज़ बनाए, काफ़ी वीडियोस बनाए, तो वो आपको अगले वीडियो में हम ज़रूर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।